नमस्ते किसान साथियों, खेती बाड़ी और मंडी भाव में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक फंगीसाइड के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका नाम है ब्लू कॉपर। जी हाँ, भारत के बहुत सारे किसानों ने इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल भी किया है, तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी आपको इस प्रोडक्ट के बारे में आपको बताएंगे। जी हाँ, अब हम बात करते हैं कि ब्लू कॉपर क्या चीज है। देखिए, ब्लू कॉपर एक तरह का फंगीसाइड है, यह क्रिस्टल कंपनी का आता है। जी हाँ, अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर टेक्निकल क्या है। तो देखिए, इसके अंदर जो टेक्निकल है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP, यानी यह पाउडर फॉर्म में आता है। कॉपर 50% इसके अंदर कंटेंट होता है, यानी कॉपर बेस्ड प्रोडक्ट यह है। जी हाँ, अब हम बात करते हैं कि यह किस प्रकार से आता है। तो देखिए, इसकी पैकिंग इस प्रकार है और इसके अंदर जो पाउडर है इसमें नीले कलर का यह पाउडर के फॉर्म में आता है। जी हाँ, अब हम बात करते हैं कि यह किस प्रकार का फंगीसाइड है। देखिए, यह जो प्रोडक्ट है ब्रॉड स्पेक्ट्रम कॉन्टेक्ट फंगीसाइड है। इसका मतलब क्या होता है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब यह होता है कि एक से ज़्यादा यह बीमारियों को कंट्रोल करता है। और सेकंड चीज़, यह कॉन्टेक्ट फंगीसाइड है, यानी कि जो भी संपर्क में फंगस, यानी कि जो फंगस के जो सेल आते हैं उसको यह कंट्रोल कर देता है। जी हाँ, अब हम बात करते हैं कि यह कौन कौन सी बीमारियों को कंट्रोल करता है। तो यह जो मुख्यतः बीमारियाँ कंट्रोल करता है, अर्ली ब्लाइट, अर्ली डाउनी मिल्ड्यू, लीफ स्पॉट, फ्रूट रोट और पोलर रोट और ब्लैक रोट, इन सभी को यह कंट्रोल अच्छे से करता है। जी, अब हम बात करते हैं कि इस प्रोडक्ट को हम कौन कौन सी फसल में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, इस प्रोडक्ट को हम जो इस्तेमाल कर सकते हैं, सभी प्रकार के बागवानी जो फसल होती है उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आम हो गया, अंगूर हो गया, अनार हो गया और एप्पल हो गया, सभी और ऑरेंज हो गया, सभी प्रकार की जितने भी बागवानी फसलें हो गई उस सभी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा आप जो इसका इस्तेमाल है, सभी प्रकार की सब्जी वर्गीय फसलों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मिर्च, बैंगन, टमाटर, लौकी, तरोई, गिलकी, भिंडी, इन सभी प्रकार की सब्जी वर्गीय फसलों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, अब हम बात करते हैं कि इसका इस्तेमाल करने का तरीका क्या है और यह कौन कौन सी बीमारी को उनमें अच्छे से कंट्रोल कर पाता है। तो देखिए, हम सबसे पहले जो सब्जी वर्गीय फसलों में अगर हम बात करते हैं, तो मैं सब्जी वर्गीय फसलों में जैसे कि मिर्च, टमाटर, बैंगन, इन सभी के अंदर मुख्यतः एक बीमारी सबसे ज़्यादा आती है कि इसमें फ्रूट रोट, यानी कि फलों का सड़ना, इन सभी के अंदर जो फल होते हैं वो सड़ने लग जाते हैं। तो इस दवाई का इस्तेमाल करने से फल सड़न को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है। फल सड़न के साथ साथ में लीफ स्पॉट, यानी पत्तों पे धब्बे और फल के अंदर जो सड़न आती है, इस दवाई का इस्तेमाल करने से इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि इसका डोज हमें क्या रखना चाहिए। तो देखिए, सब्जी वर्गीय जो फसलें होती है, हमें इसके अंदर जो इसका डोज रखना है, 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से हमें इसका इस्तेमाल करना है। जी हाँ, 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से हमें इसका इस्तेमाल करना है। जी हाँ, यानी कि 40 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी के हिसाब से हमें इसका इस्तेमाल करना है। और विशेष जानकारी यह है कि इसके साथ में अन्य प्रकार का कोई भी फंगीसाइड हमें नहीं मिलाना चाहिए। जी हाँ, अब हम बात करते हैं कि बागवानी जो फसलें हैं उसके अंदर इसका स्प्रे क्या करते हैं। तो देखिए, बागवानी में जैसे अंगूर हो गया, आम हो गया, केला हो गया, इन सभी में जो इसका इस्तेमाल हमें करना है, 1.5 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से इसमें इस्तेमाल करना है। अर्ली ब्लाइट और अर्ली डाउनी मिल्ड्यू, लीफ स्पॉट और फलों का सड़ना, यह इसमें अच्छे से बागवानी में यह कंट्रोल करता है। जी हाँ, इसके अंदर भी हमें अन्य प्रकार का कोई भी फंगीसाइड हमें नहीं मिलाना चाहिए। इसका इस्तेमाल हमें और किस में कर सकते हैं? तो देखिए, इसका इस्तेमाल आप सोयल एप्लीकेशन में भी कर सकते हैं। जब आप लहसुन की बुआई करते हैं, चने की बुआई करते हैं या सरसों की बुआई करते हैं, तो उस समय आप इसको सोयल एप्लीकेशन, यानी कि जमीन में आप इसका बुआई से पहले भी डाल सकते हैं। तो इसका डोज क्या रहता है बुआई में? तो देखिए, इसका जो डोज है 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। जी हाँ, 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हमें इसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए। जी हाँ, इस दवाई का इस्तेमाल करते समय हमें विशेष जानकारी क्या रखनी चाहिए? तो देखिए, जब भी आप इस दवाई का इस्तेमाल करें, तो बकेट में एक बाल्टी ले, उसमें इसको अच्छे से लकड़ी के द्वारा गोल को तैयार करें, उसके बाद हमें 15 लीटर की टंकी में इसको डालकर इसका इस्तेमाल करना चाहिए। जब भी आप इस दवाई का इस्तेमाल करें, तो मुंह पर मास्क जरूर रखें, हाथ में ग्लव्स जरूर पहनें। विशेष बात यह ध्यान रखनी है कि इसके साथ अन्य फंगीसाइड का स्प्रे ना करें। अगर आप अन्य फंगीसाइड का इसमें स्प्रे करते हैं तो साइड इफेक्ट भी पाए जा सकते हैं। हाँ, आप इसके साथ में इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि टेपबोर हो गया, इमिडाक्लोरोपीड हो गया, इस प्रकार के आप नॉर्मल इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस नीचे कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपने इसका इस्तेमाल किया है तो कौन सी फसल में किया है,
और इसके रिजल्ट कैसे लगे आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मुख्यतः जब हमने इसको फील्ड में इसका इस्तेमाल करवाया है तो हमें सबसे अच्छे जो रिजल्ट इसके लगे हैं, फलों का सड़न रोकता है, लीफ स्पॉट को अच्छे से कंट्रोल करता है, और ब्लैक रोट यानी कि जब भी आपने देखा होगा कि फसल मतलब उगती है उसके बाद में जाने की शिकायत आने लग जाती है, यानी फसलों के अंदर जमीन के अंदर काली जड़ें शुरू हो जाती है, तो यह ब्लैक रोट पर भी बहुत ही अच्छा नियंत्रण करता है। मुख्यतः में 3 से 4 बीमारियां पर अच्छा कंट्रोल हमें लगा है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।